हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज फिर एक नया ब्लॉग और ये ब्लॉग हमारे वेडिंग सेरेमनी पर होने वाला है। इससे पहले जो ब्लॉग था वो हमारे रिंग सेरेमनी पर था, होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। होप आपको अच्छा लगे। उसमें अपने बारे में काफी चीजें बता रखी है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। बट फिर भी 2013 में पहली बार मैं ईरान आता हूं और 25 सितंबर 2013 को हमारी एंगेजमेंट होती है और उसके 20 दिन के बाद यानी 16 अक्टूबर 2013 को हमारी शादी होती है। शादी से पहले हमारा मेडिकल टेस्ट भी होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट भी होते हैं। इसलिए होता है ताकि इंश्योर हो जाए कि लड़का लड़की हेल्दी है, आने वाली जनरेशन सेफ रहे और हेल्दी बने। ये एक बाहरी मैरिज था जिसमें 6 लोगों की रजामंदी बहुत जरूरी थी, जिसमें लड़का लड़की और दोनों के माता पिता होते हैं। अगर इसमें एक आदमी भी अगर राजी ना हो तो ये शादी पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ विटनेस होते हैं, कुछ प्रेयर्स पढ़ी जाती हैं, लड़का लड़की आखिरी में एक स्टेटमेंट कहते हैं और ये शादी हो जाती है। बाद में एक डॉक्यूमेंट पर लड़का लड़की साइन करते हैं और जो विटनेस होते हैं वो साइन करते हैं और इसके बाद ये शादी कंप्लीट हो जाती है। ये शादी बहुत ही सिंपल थी, हम चाहते भी थे कि ये शादी सिंपल रहे। इसमें हमने तकरीबन 30 लोगों को ही इनवाइट किया था, जिसमें कुछ फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे। हमने ना कोई बैंकेट हॉल बुक किया था, ये शादी भी हमारे एक फ्रेंड के घर पे हुई थी। ना कोई डीजे था, ना कोई केटरिंग सर्विस, हमने सिंपली एक बाहर के रेस्टोरेंट से फूड मंगाया था। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए भी किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया था, वो भी हमारे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने किया और वही वीडियो को मैं कंपाइल करके ये ब्लॉग आपके सामने ला रहा हूँ। होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं है बट ट्राई किया कि आपको पोशन कल्चर की एक झलक आपको दिखा सकूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। بلاخره نه عروس و نشسته خدا روی سرش کار بسته
خوشبختیشون به فراتر بشه، پیوندتون مبارک، طرف نواده.